are animals. Everybody do a beat. We are all for animals and support for animals. Yo! जी जी आकाश इंडिया टुडे का चीफ फोटोग्राफर था, टीवी टुडे में हमारे साथ ब्यूरो चीफ था जो फोटोग्राफी में बहुत कमाल का काम करता था। उसके बाद उसने दो फिल्में बनाई हैं, उसकी तीसरी पिक्चर है और इसमें जो बिल्ली है, वैसे काफ़ी सारी बिल्ली हमारे घर पे है तो हम जुड़े हुए हैं। वो मेकर और वो मेकर ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन की एम्बेसडर है। सो आई थिंक यू गाइस शुड बी देयर। वेदांत, can you join them? तो जैसा अनुषा ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, अनुषा का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। एक्चुअली अनुषा और मैं तो जुड़े थे, वी वर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो मेनी इयर्स। लेकिन जब इसने इसके फॉसाइट एनिमल सेंचुरी, पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के बारे में मुझे बहुत देर से पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला और मैं इसके जब घर में जाता हूँ ना, तो इसके जो घर में इतने सारे ब्यूटिफुल क्यूट अडोरेबल एनिमल्स हैं, तो मेरा दिल है ना ऐसा लगता है कि यू नो लाइक मेरे सब टेंशन भूल गया। तो उधर बैठे बैठे ही मेरे को इसके अनुषा के फार्म ये जो पॉजिटिव की बातें करते करते ही मेरे को ये पॉजिटिव ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक पेट अडॉप्शन पे एक फिल्म बनाऊँ। और फिर जब मैंने ये, मैंने किसी को बताया ही नहीं ये फिल्म मैं बना रहा हूँ करके, और ये मेरे जितने भी फैमिली के जैसे दोस्त हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया है यू नो लाइक ये फिल्म बनाने में। तो जब मैंने अनुषा को ये फिल्म बताई कि मैंने ऐसी बनाई है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया है कि ये फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, जिससे कि लोगों को ये फिल्म देखने से एक उत्साह जागे और उनको ऐसा लगे कि भैया हम पेट्स तो खरीदते हैं, ब्रीड्स तो खरीदते हैं, लेकिन ये जो मुख्य जानवर है जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं और हम कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई मार देता है, तो वो उनका ख्याल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में हम लोग बनाएं छोटी छोटी जो किसी को बोर ना करे, जो अटेंशन ग्रैब करे लोगों का। और ये यंग जनरेशन जो है दे आर अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, ये जो जनरेशन मिलेनियल्स हैं और जनरेशन जेड के जो यंगस्टर्स हैं दे आर सो फैबुलस, दे आर कीड इन टू द एनिमल वेलफेयर सो 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 ब्यूटिफुली। हमारी जनरेशन उतनी नहीं थी, लेकिन ये बच्चों से हमने सीखा है कि कैसे और कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, मेक अर्थ ग्रीन अगेन एंड पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के साथ। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और ये जो बिल्ली का बच्चा है, जब मैंने उसको गोदी में उठाया था, आई मीन मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इसको जाने दूँ, लेकिन ये फिल्म बनने के बाद वो हम लोग ने उसका एक किसी को भेजा और वो बच्ची अडॉप्ट हो गई, नहीं तो वो कैटरीना आज यहाँ रहती एंड शी वुड हैव ओवर शैडोड ऑल ऑफ अस। ओह यस, मोस्ट डेफिनेटली राइट। वो जब भी मेरे घर आता है तो उसके मोजे मेरे कुत्ते खा जाते और मोजे के बीच में लड़ाई होती रहती है। नहीं, अभी जैसे जो दो छोटे बच्चे हैं हस्कीज है दो, इतने प्यारे, एक महीने के नहीं है, वो मेरे को देखते साथ ही इतना ज़्यादा प्यार करें, इतना ज़्यादा मेरे साथ खेलने लग गए जैसे कि जन्मों जन्मों से मुझे जानते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लव इज़ पॉसिबल फॉर फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज देन द एनिमल्स दैट यू लव एंड दे लव यू बैक इक्वली। Well, firstly, I actually want to congratulate for such a beautiful thought. Thank you so much. You know, short film की खासियत ये होती है कि बहुत छोटे दौरान या बहुत छोटी ड्यूरेशन में वो एक बहुत बढ़िया मैसेज देते हैं, और ये एक्चुअली एक तरीके की एक शॉर्ट फिल्म है जिस जो बहुत उम्दा है अपने तरीके से, बिकॉज उसने अपना मैसेज बैंग ऑन अपने टू द पॉइंट दिया है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि सब हर कोई अपना अपनी दया माया किसी ना किसी तरीके से दिखाता है, मगर ऐसे थॉट्स होना कि आप एक स्ट्रीट एनिमल को नर्चर करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको शेल्टर दें, उसको एक घर दें, ऐसे थॉट्स होना बहुत अच्छी बात है। मेरे पास खुद एक बिल्ली का बच्चा मैंने ऐसे ही अडॉप्ट किया था, जो शायद अनुषा को भी पता है। मेरे बारिश को छोटा सा बच्चा था जो बारिश में बालकनी में आ गया था एंड मैंने उसको फिर अंदर ले लिया, मगर जब वो बिल्ली का थोड़े दिनों के बाद जैसे मैंने घर शिफ्ट किया, वो शिफ्टिंग के दौरान शी वाज नॉट हैप्पी एंड ही जस्ट रैन अवे। आई नो द काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट आई वेंट इनटू,
एक ऐसी अटैचमेंट फुलफिलिंग ऑफ लाइफ देते हैं वो एंड आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दिस एंड इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया एंड अ परफेक्ट शॉर्ट फिल्म टू पास ऑन दैट राइट मैसेज ऑफ अडॉप्टिंग एंड नर्चरिंग अडॉप्शन. इसकी बिल्ली का बहुत क्यूट स्टोरी है. इसने घर शिफ्ट किया, बिल्ली को ले आई, बिल्ली ने डिसाइड किया यहाँ घर पे पकता है तो हूँ नहीं, तो उसने अपनी लोकेशन ढूंढ ली. डर ये रही थी वो रहा है. फाइनली एक दिन नीचे भी आया कि उसको ऊपर ले आई, उसने इसको इतनी गालियाँ दी बिल्ली के भाषा में, फिर उतर कर खुद चला गया. वो नीचे मिलती है उसको बाहर. बट वो हाँ 11th फ्लोर से वो भाग गया था. और फिर बाद में मुझे बाद एक डेढ़ महीने के बाद मेरे गाड़ी के नीचे वो दिखा और अभी भी मुझे आई डोंट नो क्या करना चाहिए इसके साथ में. जब भी मैं देखती हूँ बड़ी इमोशनल है ना. अब मुझे याद है कि मैं रात के 1 बजे अनुषा को कॉल करके रो रही थी, अनुषा मेरी बिल्ली चली गई, अनुषा मैंने 3 साल उसे पाला, गेट हर बैक. एंड लेट मी टेल यू बिकॉज ऑफ दिस कैट आई मस्ट हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी आल्सो. आई पेड मनी फॉर दैट रीडर कम्युनिकेटर ढूंढा उसने कैट से मैं बात कर सकूं. अरे मैं इतनी ट्रॉमा में थी कि आई एक्चुअली गॉट अ कैट कम्युनिकेटर. उस कैट ने उस कम्युनिकेटर ने मुझे बोला 12 बजे की बात है ओके 12 बजे कि वो कैट आपके साथ नहीं रहना चाहती, आई थिंक आप उसको छोड़ देना चाहिए. मैंने कहा अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया मेरी कैट के साथ. एंड 1 बजे मानुषो को कॉल कर रही हूँ, रो दी जा रही हूँ, अनुषा मेरी कैट मेरे साथ नहीं रहना चाहती. अनुषा मैंने किसने बोला, अरे मैंने कैट कम्युनिकेट करना चाहिए. हेल विद दैट कैट देयर कम्युनिकेटर, शी जस्ट डिसाइडेड नॉट टू स्टे, शी जस्ट वांट्स टू हैव फ्रीडम. आई वाज लाइक ओ अगेन फॉर 2 डेज आई वाज क्राइंग. बट यस ओवरऑल इट वाज थैंक यू, इट जस्ट गॉट सम मेमोरीज बैक फॉर मी. आई विश कि अगर वो मेरी कैट के लिए अगर आप लोग भी ऐसे अडॉप्शन कर सकें वुड बी वेरी नाइस. एक बहुत क्यूट स्टोरी है. रवीना टंडन ने मेरे पास एक बिल्ली भेजा. मेरे घर के लड़कों ने उसका नाम रवीना रखा है. जब भी रवीना बुलाते हैं आती है खाना खाने, लेकिन इसके जैसे वो बाहर रहती है क्योंकि उसको कुत्तों के साथ रहना नहीं है. जब भी बोलो रवीना तो रवीना आती है खाना खाके निकल जाती है. एक्चुअली कैट्स को पता होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. दे आर वेरी क्लियर. और उनका जो एटीट्यूड रहता है ना उसके सामने तो हमारी बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस भी है ना, मात खा जाए उनका इतना एटीट्यूड. सबसे बेस्ट सब पूछते हैं कुत्तों का नाम तो समझ में आया, बिल्लियों का नाम रखा है क्या. मेरे पास 80 के ऊपर बिल्लियां, एक भी होती ना कोई भी नाम रखो तभी घूमेगा जब उसको चाहिए. तो नाम रख के क्यों टाइम वेस्ट करना है. बोलो अगर उसको लगता आना है ओके, खाना खोलो उसका पसंदीदा खाना है तो ऐसे भी आ जाएगा. What do you want to say, Vedant? Vedant is the youngest member of Positive Farm Sanctuary. Yeah, he is the generation Z. I'm sorry, but I'm cutting it here. I'm sure it's not only about the kittens and the cats. It's also about dogs and other animals as well. So I think it is not focusing only about the cats. So this is what I want to make clear. His whole idea and the concept that he's actually trying to say. About pet adoption. Pet adoption. Yes, so just want this to be noted. Vedant, please go ahead. I really like the film because like most of the film was just centered around the actual decision. There's no actual boundaries that you have to encounter when you have to adopt a pet. You just get the pet into your home. Like especially cats, they're such low maintenance creatures. You just have to give them a home, you have to give them food and water on time. It's not really like log sochte hain ki ha ye sab kutte billi street pe hai. How can I help them? Literally just take care of them. That's it. Siddhant, can I please have you here? Please come here once. I want to know about how you adopted your first dog. Please come here. Oh yeah, that's a good story. Come here. Don't do this one. Fine, I'll tell you how Siddhant adopted his first dog. Usne hum logon ko bola tha ki ye wala kutta mujhe chahiye hi nahi hai. Hum dono gaye the kutta lane. ये रास्ते में खड़ा था हमसे झगड़ा करने के लिए कि कुत्ता घर पे आएगा ही नहीं. जैसे हम लोग दोनों घर के बाहर पहुंचे ये आदमी दूसरे साइड पे खड़ा था. वो कुत्ता उसको देखा, इसने बोला ये कुत्ता, कुत्ता कूद गया उसके ऊपर. उसके बाद वो और कुत्ता गायब हो गए. उस दिन के बाद वो कुत्ता हम दोनों को मिला ही नहीं, वो उसका कुत्ता हो गया. सो अडॉप्शन ऐसा प्रोसेस है जैसे उसने बिल्ली देखा, बिल्ली ने बिल्ली उसकी दोस्ती हो गई. कुत्ते ऐसे नहीं है, कुत्ते सीधे आते हैं आपके ऊपर कूद जाते हैं. जैसे सीधा इसको मिला इसके मोजे खींच लिए. सो दोस्ती तो बननी है. True. और ये जो एनिमल्स जो अनकंडीशनल लव देते हैं वो अनकंडीशनल लव अगर आप एक ब्रीड का पेट भी खरीदते हो, कोई एक्सपेंसिव ब्रीड का भी पेट खरीदते हो, वो लव में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है. उनके अनकंडीशनल लव में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है. तो यू नो लाइक अगर आप एक एक्सपेंसिव ब्रीड भी पाल रहे हो सुपर, लेकिन यू कैन टेक केयर ऑफ दीज नीडी एनिमल्स ऑल्सो जिनको आपकी जरूरत के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. मेरे को एक और चीज़ बताना है कि अगर आप कोई भी ब्रीड वाले जानवर लेते हो तो उसकी कैपेसिटी टू टेक केयर, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी लेवल्स है ना, हमारे देसी जैसे नहीं होते. आई वॉज अबाउट टू से दिस. और आप अपने घर के बाहर के देसी को बिस्किट खिलाओ वो किसी को आने नहीं देगा.
और हमारे जो ग्रेड वाले हैं ना वो बड़े प्यारे हैं, बोलते हैं ठीक है यार चल तू आया डिस्टर्ब मत कर जो लेना ले जा बस फर्क इतना ही है. एंड ऑल्सो आई हैव फाउंड कि जो हमारे देसी जानवर हैं कुत्ता होने दो बिल्ली होने दो ये लोगों की जो स्मार्टनेस है ना जो एक्यूमन लेवल है ये ब्रीडेड डॉग से या पेडिग्री डॉग से कहीं ज़्यादा है बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ नर्चरिंग देयर ओन सेल्फ. आई थिंक मैंने ये स्ट्रीट लोकल जो हम कहते हैं लोकल डॉग कम्युनिटी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा देखी है ना कि मैंने पेडिग्री एनिमल्स में देखी है. पेडिग्री एनिमल्स येस एक शो बिजनेस है थोड़ा सा अपस्टेटेड मार्केट है बट लेट मी टेल यू व्हेन यू एक्चुअली नर्चर अ कम्युनिटी एनिमल लाइक दैट आपका स्टेटस प्रोफाइल भगवान के सामने बहुत ऊंचा हो जाता है एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग फिरंग लड़की बहुत अच्छी लगती है भाई देसी बीवी इधर चला दी घर में तो भाई जाया बच्चा नहीं चाहिए कितना भी मलिका शेरवाद दे. मतलब